अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात विद एस के न्याजी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मुअज़्ज़म अली। नाज़रीन, मुल्क में जारी समाजी और मुआशी मुश्किलात और मुल्क दरपेश चैलेंजेस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर तज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी सरदार ख़ान न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की सच्ची बात की तरफ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल के लिए 18,870 अरब हजम का बजट पेश कर दिया। उन्होंने बताया कि आइंदा माली साल FBR 12,970 अरब रुपए इकट्ठे करेगा, जबकि नॉन टैक्स आमदन की मद में 4,845 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना है। आइंदा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन के लिए 1,014 अरब रुपए, सब्सिडीज के लिए 1,363 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल दिफा पर 2,122 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गैर तनख्वाहदार तबके की आमदन पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। कारोबार की आमदन पर ज्यादा से ज्यादा 45% इनकम टैक्स आयद करने की तजवीज है। तनख्वाहदार तबके के लिए स्लीब्स में कुछ रद्दबदल करने का फैसला किया गया है। इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज है। तनख्वाहदार तबके के ज्यादा से ज्यादा स्लेब्स को बरकरार रखने की तजवीज है। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफे और रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज है। 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 22% इजाफे की तजवीज है। इसी तरह रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफे की तजवीज है। मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए से बढ़ाकर 36,000 रुपए करने की तजवीज है। कराची में 8 अरब रुपए की लागत से IT पार्क बनाया जाएगा, जिसके लिए बजट में रकम मुख्तस कर दी गई। टेक्नोलॉजी पार्क इस्लामाबाद के लिए 11 अरब रुपए रखे गए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए की तजवीज है। नेशनल डिजिटल कमीशन और डिजिटल पाकिस्तान अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। जी नाज़रीन, इकोनॉमिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर वफाकी बजट 2024 था 2025 आज पेश कर दिया गया है, और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने आज ये बजट पेश किया है। नाज़रीन, आम आदमी को बड़ा इंतज़ार था कि आम आदमी की तनख्वाह में कितना इजाफा होगा। उसके अलावा टैक्सेस का जो मामला था, पिछले दिनों सुन रहे थे कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, तो वो भी आज सामने आया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा कि शहबाज़ शरीफ साहब बड़े काबिले तारीफ़ हैं इस बात पर कि IMF का प्रोग्राम लॉन्च करने की उन्होंने मुझे इजाज़त दी। अब एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि IMF की जो शराइत हैं, उन जिनके अंडर ये बजट पेश किया गया है, तो किस हद तक ये रेस्ट्रिक्टेड है, इसमें क्या लिमिटेशंस हैं, और किस तरह से ये इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा, और इसकी वजह से आम आदमी को, कॉमन मैन को कितना रिलीफ मिला है। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़ दी गई, जबकि 17 से 22 तक के तनख्वाहों में 22% इजाफा किया गया है, और रिटायर्ड मुलाजमीन की जो पेंशन है उसमें 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। उसके अलावा दीगर शोबों में टैक्सेस भी आयद किए गए हैं। नाज़रीन, IMF का जो मामला है कि आने वाले मजीद सालों में कितने अरसे तक IMF के साथ इन कॉन्ट्रैक्ट, IMF के साथ ये जो अटैचमेंट हमारी रहेगी, और IMF की शराइत के अंडर इस बजट को किस तरह से ये लेके चलेगी हुकूमत, शहबाज हुकूमत ने अब तक मुआशी भंवर को संवारने के लिए जितने इकदाम किए हैं उसकी भी आज बड़ी तारीफ हुई। लेकिन एक अचंभे की बात ये थी कि जब ये बजट पेश होना था उससे कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका बायकॉट किया और कौमी असेंबली में आने से रुक गए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुजाकरात किए, उनको कन्विंस किया, कुछ ये भी गुफ्तगू हुई, उसके बाद ये बजट पेश किया गया। नाज़रीन, ये बजट कितना आवाम दोस्त है, ये इससे कितना फ़ायदा होगा, आम आदमी कितना खुश है, और जो हमारा मुआशी तबका है, मुआशी माहरीन है, वो इस बजट को किस निगाह से देखते हैं, हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं बढ़ता हूँ खान साहब की जानिब। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार आसिफ महमूद साहब, उनको वेलकम करता हूँ। उसका स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है हमारे मौशियात ज़की एजाज साहब, वाइस प्रेजिडेंट FBCCI। उसके अलावा हमारे साथ हमारे मौशियात तौसीफ़ जमान साहब भी स्काइप पर मौजूद हैं। खान साहब की जानिब बढ़ूँगा। खान साहब, बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट आज पेश किया है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, और मखलूत हुकूमत का ये पहला बजट इंतखाबात के बाद पेश हुआ है, इसको आपने कैसा पाया? जिस जो टैक्सीज की बात हो रही थी, बरामदात की बात हो रही थी, तवानाई का शोबा, तालीम का शोबा, सेहत का शोबा, और जिस जिस जगह पर जितना जितना हिस्सा, मामलात जो है वो इतने पेचीदा थे, और इन हालात और इन मामलात में और इस सिचुएशन में बजट का देना बड़ा मुश्किल काम था। कोशिश की है इन्होंने
کے معاملات بہتر ہوں، کئی چیزیں بہتر بھی فیصلہ کیا ہے، لیکن زیادہ تر چیزوں جن پہ میں زور دیتا ہوں، جن پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنے تک ملک میں انویسٹمنٹ نہیں بڑھے گی، جتنے تک ملک میں کاروبار نہیں چلے گا، جتنے تک تو باہر کا پیسے سے ہم سود والے پیسے سے کبھی پاکستان میں خوشحالی نہیں آ سکتی، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، انویسٹرز کو سہولتیں کم دی گئی ہیں اور بلکہ لینڈ پہ اور ٹیکس بڑھا دیا ہے، اور یہ جو ہے یعنی بہر صورت ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور منی بجٹ بھی آنا ہے، اس سے پہلے جو جو ہینڈی کیپس ہیں آصف صاحب آپ بھی بتائیں، وہ ہمیں بتانے چاہیے، ہمارا کام ہے جی۔ خزر ہم دست کہا کہ ان حالات میں کو مثالی بجٹ تو آنے سے رہا، لیکن یہ جو صرف تنخواہ دار طبقہ انہیں ملا ہوا ہے نا، اس سے پینک کریٹ ہوتا ہے۔ ٹیکس کلچر جب تک نہیں آئے گا نا، ٹیکس کلچر تو خاں صاحب تابع آئے گا جب ہر کوئی ہنسی خوشی دے گا۔ تنخواہ دار طبقے کے پاس پہلے کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ اور ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں، انہیں اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے، ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے۔ خاں صاحب جن کی تنخواہیں بڑھتی ہیں وہ تو چند لاکھ لوگ ہیں نا، ریاست کتنے لوگوں کو نوکری دے رہی ہے، وہ تو بہت محدود فگر ہے۔ آج فگرز آئے ہیں وہ تو 0.5% بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل محدود ترین آٹے میں نمک ہے جو سرکاری ملازمین ہیں، باقی تو کچھ بے روزگار ہیں اور کچھ پرائیویٹ سیکٹرز میں۔ تو آپ ٹیکس نیٹ اگر نہیں بڑھا سکتے، میں تو اس پورے بندوبست کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہوں کہ نان فائلر ہونا اللہ کی نعمت بنا دی ہے ان لوگوں نے، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ نان فائلرز کو اتنا ٹائٹ کریں کہ لوگ ٹیکس کے نیٹ میں خوش ہو کر نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں، ادھر تو کچھ بھی بڑھایا گیا ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ خان صاحب جب اس نے پراپرٹی لینی تو ٹیکس دگنا دے دو، گاڑی لو تو ٹیکس دگنا دے دو، باقی ساری عمر موج کرو، اور جو ٹیکس نیٹ میں آ گیا اس کی چمڑی ادھر دے جاؤ، اور سیدھا 100% انکریز کر دیا۔ ایکچولی ٹیکس نیٹ ورک میں وہی لوگ نہیں ہیں، نان فائلر وہی لوگ نہیں ہیں جن میں 40% تو ایم این اے یا منسٹر ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا ہم نام نہیں لیتے، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، نام نہ لیا کریں، لیکن اگر چیف جسٹس صاحب سے پوچھا جائے، بلکہ چیف جسٹس صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ خود اس کا نوٹس لیں، وہ بہت ایماندار آدمی ہیں، ٹیکس دینا چاہیے۔ جب ججز ٹیکس دیں گے خان صاحب، جب ججز ٹیکس دیں گے تو پھر ٹیکس کلچر بڑھے گا۔ مطلب میں لبرٹی لیتے ہوئے درخواست کرتا ہوں، کیونکہ قاضی فاجی صاحب سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، ججز ٹیکس دیں گے تو پھر دوسرے لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو اچھی چیز ہے۔ پیریڈ تھوڑا ہے میرا خیال ہے، پیریڈ تو ساروں کے پاس ہی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اچھے فیصلے کرنے کے لیے۔ کب ریٹائر ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ستمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اکتوبر میں شاید۔ ہاں تو پھر تو ہے پیریڈ ہے، لیکن اور میرا خیال ہے بڑھ بھی جائے گا۔ اچھے فیصلے کے لیے تو نہیں، بڑھنا تو نہیں چاہیے، جس کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے اسے گھر جانا چاہیے، لیکن بڑھ بھی سکتا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ سکتا ہے تو پھر شاید بڑھ جائے، لیکن میری رائے میں تو جس کی مدت پوری ہو اسے گھر جانا چاہیے۔ چلو خان صاحب، ہمارے ساتھ ہمارے معاشرت ذکی اعجاز صاحب بھی موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ذکی اعجاز صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ذکی اعجاز صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک۔ جی ذکی اعجاز صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے۔ اچھا، کیسے دیکھتے ہیں آج جو بجٹ آپ ٹیکس پیش کیا گیا اور سارا اسمبلی کا، اور لوگوں کو تو کئی لوگ تو بہت پریشان ہیں اور کچھ لوگوں کو تھوڑی بہت خوشی بھی ہے، تو آپ کے اس کے متعلق کیا ریمارکس ہیں؟ دیکھیے میں اگر انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں تو انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے فنانس منسٹر صاحب کی پوری اسپیچ کے اندر کوئی بھی انسینٹیو، کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی۔ تو جیسا ہمارے دوست نے یہاں پر فرمایا کہ انڈسٹری اگر نہیں چلے گی تو ریوینیو نہیں آئے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے ہماری جو ایف پی سی سی آئی کی اور انڈسٹریل جو بزنس کمیونٹی کی ریکویسٹ تھی کہ انٹرسٹ ریٹ کو 12% کرے فوری طور کے اوپر 22% سے، جس میں صرف 1.5% جو ہے وہ پوائنٹ کو کم کیا گیا ہے، یعنی کہ 1.5%، اب 20.5% ہو گیا۔ اس انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کوئی بھی انڈسٹری نہیں چل سکتی، آپ پہلے 20.5% آپ کمائیں اور پھر اپنے گھر بھی لے کر جائیں، کیسے پاسبل ہے؟ دوسرا جو بجلی کا جو پرائز کا ایشو ہے 9 سینٹ کا، اس پہ بھی کوئی خاطر خواہ بات نہیں ہوئی۔ تو اس پرائسز کے ساتھ، انرجی پرائسز کے ساتھ اور اس انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ یہ انڈسٹری نہیں چل سکتی، اور میں جو انہوں نے 12,970 ارب کا جو ٹارگیٹ بنایا ریوینیو کا، میں سمجھتا ہوں یہ پاسبل نہیں ہے، یہ لاسٹ ایئر سے 38% زیادہ ہے۔ لاسٹ ایئر تو پھر بھی کچھ انڈسٹری چلتی رہی، اس وقت جو لارج اسکیل کے یونٹ ہے وہ بند ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو میڈیم اسکیل کے جو یونٹ ہے وہ بھی بند ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے بھائی نے بات کی کہ نان فائلر کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ پہلی دفعہ ہی میں نے سنا ہے
पाकिस्तान के अंदर, इसको तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। एक प्रोविजन आपने रखी हुई है कि जो टैक्स अभी, लेकिन एक अच्छी बात हुई है इस बजट के अंदर कि नॉन फाइलर और फाइलर के दरमियान जो एक डिफरेंस था उन्होंने बढ़ाया है, यानी कि पहले तो 3-4% का डिफरेंस होता था, इस दफा उन्होंने कुछ 3 times, यानी कि अगर फाइलर के ऊपर 15% है तो नॉन फाइलर के ऊपर उन्होंने 45% किया, तो नॉन फाइलर को डिस्करेज किया। लेकिन ये जो 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 नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है इसी को खत्म करना चाहिए। इसी तरह फाटा फाटा का जो मामला है उसके ऊपर भी वजीर खजाना साहब ने कोई चीज नहीं मैंशन की कि क्या उसको वो खत्म कर रहे हैं या नहीं खत्म कर रहे। इसी तरह जो 250 billion की क्रॉस सब्सिडीज हैं इसके ऊपर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। इसी तरह जो हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट के, PIA के अलावा स्टील मिल है, तो PIA के अलावा भी उन्होंने किसी इदारे के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात नहीं की। और PIA भी हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, 6 months, 1 year हो गया कि प्राइवेटाइज हो रहा है, लेकिन मैं नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट के होते हुए हमारे इदारे प्राइवेट हो सकेंगे। और इसी तरह एक्सपोर्टर के लिए जो पहले ऑन सोर्स 1% उनका एडजस्ट हो जाता था उसको भी ख़त्म करके उन्होंने ओपन कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक एक्सपोर्टर के लिए डिस्करेज होगा इस टाइम पे जहाँ पहले हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं है। हम इस पर भी कंडम करते हैं PCCI की तरफ से कि इसको नहीं होना चाहिए था, 1% एट सोर्स ही हो जाना चाहिए था। तो इसी तरह जो है वो जिस तरह उन्होंने जो IPPs के ऊपर कोई बात नहीं की है कि उनके साथ हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हम अपनी बिजली की कॉस्ट को कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, तो ये भी उनकी स्पीच में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था। इसी तरह जो उन्होंने जो बात की है टैक्सेशन के हवाले से, डिजिटलाइजेशन के हवाले से, ये भी हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं और इस पर उन्होंने इस दफ़ा बजट भी काफ़ी रखा है, और हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि FPR की जो है रिस्ट्रक्चरिंग भी होगी, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई बात नहीं हो रही। तो 12,970 अरब ये कैसे इकट्ठा होगा जब इंडस्ट्री नहीं चल रही इस वक्त और बड़े बड़े जो इदारे हैं वो बंद हो रहे हैं, हज़ारों लोग लाखों लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, और आपने जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकारी लोगों की 1 से 16 ग्रेड की जो है वो 25% बढ़ाई है, उसके अलावा 22% बढ़ाई है, वो तो बहुत थोड़ा सा 0.5% या उससे भी कम शायद रेशो है उन लोगों की जिनको फ़ायदा होगा। जी सही। तो आसिफ जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। तो सुन रहे हैं तो आसिफ जमान साहब जनाब, आवाज आ रही है आपको? जी तो आसिफ साहब सुन रहे हैं सारी ये जो हैंडीकैप्स हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सुन रहे हैं जनाब, सुबह से सुन रहे हैं। तो आपकी राय इसमें क्या कहती है? किस बारे में जनाब? बजट के बारे में। कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। जनाब ये 25 या 26वां, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 26वीं दफा हम लोग IMF के पास गए हैं, और किसी भी आप माहिर मईशत से इस वक्त पूछे या हुकूमत से पूछे, वो कहते हैं इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं कि हमने IMF के पास जाना है। अच्छा, अब जब IMF के पास जाने का मतलब ये है कि आप वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, इस चीज को हमारे मुल्क में सेलिब्रेट भी किया जाता है। IMF के पास जाना कतन कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया भी किया था, दैट वाज 1991, 1992, 1993 की बात है। और उसके बाद जब आप वेंटिलेटर पे जाते हैं तो साथ ही साथ आप क्या करते हैं, अपने बाकी ऑर्गन्स को आप ठीक करते हैं, उनका इलाज करते हैं, और उसके बाद रिकवर होके आप वापस अपने बैक टू बिजनेस होते हैं, और आप वो सारी हरकतें छोड़ देते हैं कि दोबारा आपको वेंटिलेटर पर जाना पड़े। लेकिन हमें माशाल्लाह बहसियत कौम, मैं कहूँगा बहसियत हकूमत के, और इसमें हम सब लोग शामिल हैं, कि हमें वेंटिलेटर पर जाने की आदत पड़ी हुई है। तो काफ़ी सारे लोग इस बारे में परेशान थे, हमारे दोस्तों ने ही बात की कि बड़े ही मुश्किल हालात थे और उसमें बजट प्रेजेंट किया गया। तो इसमें कतन हमें कोई मसला नहीं है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो। हाँ, आ रही है, लेकिन मुश्किल हालात तो थे, खैर ये तो बात माननी पड़ेगी। जी मुश्किल हालात हैं, आप यकीन रखें ये ऐसे ही चलेगा, और इसके बाद अगले भी IMF प्रोग्राम में हम चले जाएंगे, क्योंकि जो हमें रोल ओवर की हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि प्रिवेल कर रही है, वो वाली जो प्रिवेल कर रही है वो करी हमारी रोल ओवर इकोनॉमी के, रोल आपके जो लोन्स हैं, सूद है,
वो आपने जैद से उसको सूद देना है, आपने बकर से पैसे लेके जैद को दे दिए, उसने कहा मैंने सूद के पैसे दे दिए ना, मुझे कर्जा दो। फिर आप बकर के पास गए कि भैया देखो सूद के पैसे हमने दे दिए, उसके बाद तीसरे के पास चले जाएंगे। तो हमें कर्ज लेते हुए ना ही शर्म आती है और ना ही हमें सूद के लिए पैसे देते हुए, जो हमारे बाप दादा ने जागीरें हमारे लिए छोड़ी थी, हमारा ख्याल है कि वो बेशुमार है, लिहाजा हम वो जागीरें रहन रखवा के कर्जा लेके अपना गुजारा कर सकते हैं। जब सूद देने की बारी आएगी हम और चीजें अपनी नस्लों को गिरवी रख देंगे, ये मामला चलता रहेगा। ये पूरी बिजनेस फिलॉसफी है, इकोनॉमिक पॉलिसी भी है, जिसपे पाकिस्तान बड़े ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ अनथक मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद से कामजन है। इसमें हम हर वो काम के जिससे हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो सके, हर वो काम जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके, हम वो हरगिज करने को तैयार नहीं है, उसमें हम कतन इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये देखते हैं कि एक यहाँ से खातून शाइस्ता आसिफ पाकिस्तान से उठती हैं, जो कि एक तनख्वाह पे मुलाजिम थी एक टेलीकॉम के इदारे में, वो यूएई जाती हैं और वहाँ पे 11.1 अरब डॉलर की कंपनी खड़ी कर देती हैं, जिसकी वो मेडिकल की इस वक्त सी है उस कंपनी की। इस तरह हम देखते हैं कि रोजाना 2000 लोग पाकिस्तान छोड़ के सऊदी अरेबिया और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसके अलावा जा रहे हैं कि वहां पर जाके अपनी कामयाबी के झंडे गड़वा रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनका एग्जिट इंटरव्यू ही कर लें कि वो क्या मसले थे कि जिनकी वजह से आपको पाकिस्तान छोड़ने पड़ा, और वो क्या वजह हुई कि आप इन ममालिक में जाके सक्सेसफुल हुए। नहीं तो ये आपने बड़ी पायदार बात की है कि उनसे पूछते तो सही भाई, गवर्नमेंट क्या वहाँ तकालीफ क्या थी जो जो पैसा आता है आप बाहर भेज देते हैं हुंडी के जरिए, उसके जरिए तो किन कौन से बिल ओवर बिल आए हैं, कौन सा बिल है। जी ये आपने हुंडी हवाले की बड़ी अच्छी बात की। जो हुंडी हवाले का मसला है वो गरीब लोगों का मसला है, गरीब मुल्कों का मसला है। ये पैसा जब यूएई लैंड करता है, ये पैसा जब मिडिल ईस्ट लैंड करता है, ये पैसा जब यूरोप लैंड करता है, ये पैसा जब अमेरिका लैंड करता है, डेवलप्ड मुल्कों में लैंड करता है, किसी को इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ये हमारे जैसे गरीब मुल्कों के तरफ आने की कोशिश भी करता है, जसारत भी करता है, तो हमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये एक अजीब मामला है कि हम बजाय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के हमें इसी चक्कर में डाला हुआ है कि हम किस किस जो है चैनल से पैसा आ रहा है और जा रहा है। एक अजीब गुना है कि जिसका हमें पता भी नहीं, हमारे माशी हालात इजाजत भी नहीं देते, लेकिन हमने कोशिश की हुई है कि यहाँ से अगर हमने LCV भेजनी है, अगर मैंने एक्सपोर्ट करनी है, तो मुझे आज भी उसके एक्सपोर्ट के कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी एक महकमा दूसरा महकमा के इसके कागज आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है मैं उसे फंसा दिया गया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से, अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें माफी दे दें। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से कि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें माफ कर दें। जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जितना को हमारा इन्वेस्ट फोकस है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, मुझे बताइए कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की क्या इसमें कारकर्दगी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हो। पाकिस्तान के डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में कौन सा ऐसा चैनल खुला हुआ है कि जहां पे रेड कार्पेट जो है खुला बिछे और उसको वहां पे सर्विसेज दी जाए। मुझे तो ये पता है तजर्बे की बुनियाद पर कि जब भी कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टर उठने की कोशिश करता है उसके अंदर जो बैरियर्स हैं वो लगाने दिए जाए। बहुत मसलहत हो गई, बहुत हमारे ऊपर जो खामोशी बर्दाश्त कर ली हमने। अगर हमने यही तमाशा लगाना है कि चौकीदार के ऊपर चौकीदार, चौकीदार के ऊपर चौकीदार, उसके ऊपर एक और चौकीदार, तो उसका हमने नतीजा देख लिया कि चीन का दौरा हमारा कैसा रहा, यूएई के हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के मामले थे कहाँ पे खड़े हुए। मुझे ये बताते हुए कतन कोई आर नहीं है कि हमने देखा कि जो 31 अगस्त को पाकिस्तान में माइनिंग कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें एक इदारा जिसने रिकोडिक के साथ हमारा वायदा हुआ, उस इदारे के जो शेयर्स थे एक महीने के अंदर अंदर उसमें 10 अरब डॉलर की स्टॉक एक्सचेंज में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। वो एसेट जो हमारा था हमने उन्हें दिया, तो उनकी तो 10 अरब डॉलर की एसेट है जो इंक्रीज हो गई। हमारे ये कौन से माशी जादूगर है कि जो दोस्तों से कर्जा लेके स्टॉक में अपने रिजर्व में रखने को कहते हैं कि हमारा विजन है। एक पाकिस्तानी खातून जाके 11 अरब डॉलर की कंपनी खड़ी कर रही है। हमारे आईटी के बच्चे से बेसिकली पाकिस्तान तीन तरह के पाकिस्तानों में तकसीम हुआ हुआ है। एक वो जो कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात करते हैं,
जो कि IMF की बात करते हैं, जो कि तनख्वाहदारों को टाइट करने की बात करते हैं, जो कि कर्जों के ऊपर सूद के ऊपर सूद, जहां पे बायलैटरल नेगोशिएशन में कोई आप जवाबदार नहीं है, कोई असेंबली का आदमी ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, कोई हुकूमती इदारा ये नहीं पूछ सकता कि जो कर्जा लिया जा रहा है कि इनकी कंडीशंस क्या है, कि जी IMF की कंडीशनैलिटीज हमें माननी पड़ेगी। लेकिन आपने तौसीफ साहब जो बातें की हैं बड़ी पायदार बातें की हैं, एक तो एक जो नई बात आपने ऐड की है कि वो जो फॉरेन पाकिस्तानी चले गए हैं ओवरसीज बन गए हैं, तो उनसे उधर से इंटरव्यू ले लें कि भाई आप क्यों आए थे, किन मुश्किलात का शिकार थे, तो शायद वो आसानी से बता दें। दूसरा जो आपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की है या इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की बात की है, ये दो अदारे तो ऐसे हैं कि इनमें मेंबर ही वही बनते हैं जिनको, जो मकसद इंजीनियरिंग काउंसिल में मेम्बर वही बनेगा जो ठेकेदार डेवलपमेंट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ, EDB की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और इंजीनियरिंग काउंसिल की भी बात करें साथ। नहीं जी, इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो इंजीनियर्स का एक प्रोफेशनल इदारा है जिसमें इंजीनियर्स रजिस्टर्ड होते हैं, दैट इज उनके पास डिसीजन पावर कोई नहीं है, वो सिर्फ लाइसेंस, जैसा मेडिकल बोर्ड है जो डॉक्टर को लाइसेंस। लेकिन लोग तो बिलीव करते हैं ना, इंजीनियरिंग काउंसिल को लिखते हैं वो मकसद है कि उसको बीच में डालते हैं तो वहाँ देखते हैं तो वो अगले लोग मेंबर बने होते हैं, तो वो जो वो दूसरा भी जो जो आपका इशू है ना वो भी ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम रो पिट के रोज़ाना रोते हैं बात करते हैं, इसका असर तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं होता, लेना ही नहीं चाहते जी। मतलब वो जो अगर कोई कंसल्टेंट जाके उन्हें ब्रीफ करता है तो कहते हैं पागल हैं ये लोग, ठीक है, ये पागल उठ के आ गया कोई जो ये बातें कर रहे हैं, हमने ऐसा ही चल रहा है। जो मुझे ये बताएं कि अगर जो पाकिस्तान के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इनको हम असाइन कर दें कि आपने इतना रेवेन्यू हमें जनरेट करके देना है, तो क्या हम नहीं जनरेट करके देंगे? मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने कहा कि जी आप टैक्स लगाएं, हमने कहा जी आप जो सीधा सेल्फ असेसमेंट पर छोड़ दें मामला हो जाएगा, ठीक है। वो हमने सेल्फ असेसमेंट पे जब जाने लगे तो हमने शटर डाउन की, वो मान गए, तो जो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट था वो स्ट्राइक पे चले गए अफसर, उन्होंने कहा जी हम कस्टम्स से जाना चाहते हैं, कस्टम्स वालों ने कहा नहीं 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 नहीं, वो कोर्ट में चले गए कि हमारा डोमेन है, हमने इनकम टैक्स अफसरों को इस पर नहीं आने देना, और हमने साबित किया कि सेल्फ असेसमेंट पे हमने ज्यादा पैसा जनरेट करके दिया। जब अगर तो हमने टारगेट्स मीट कर दें तो अब बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट दें, वो बिजनेस कम्युनिटी वो टारगेट मीट अचीव कर सकती है। जो IT का शोभा है, मैंने अर्ज किया कि तीन पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान वो जिसका मैंने जिक्र किया, दूसरा पाकिस्तानी वो जो कि नौजवानों का पाकिस्तान है, ये लोग वो है जो स्टार्टअप से काम करते हैं, ये लोग जो ऑनलाइन जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ एप्स पे दुनिया भर में जाके सिलिकॉन वैली में झंडे गाड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि काउलर जिन्होंने इन्वेंट किया, और जाके इस वक्त अगर आपने की गाय ने काउलर पहना हुआ है तो आपकी मिल्क की प्रोडक्शन में 10% इजाफा हो जाता है, ये एक पाकिस्तानी नौजवान की प्रोडक्शन की इनोवेशन है, वो भी सिलिकॉन वैली चला गया। जो पाकिस्तान में दुनिया भर में एक हमारा एक और इनोवेशन थी कि वो बताता था कि कौन शख्स कब और कहाँ नया खुदकश हमला करेगा, उसकी भी यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, वो भी स्टार्टअप कप में वर्ल्ड चैंपियन नजर नहीं आ रही। तो जो ये वाले पाकिस्तानी है ये पैसा जनरेट कर रहे हैं, हम इन्हें क्या कह रहे हैं कि हम इन्हें पेपॉल नहीं दे रहे, हम इन्हें ईज ऑफ डूइंग यहाँ से पैसे मंगाने की जो सहूलत पैदा नहीं कर रहे, ये वो चीज है जहां पे हमें उम्मीद है और क्विकली बहुत जल्दी यहाँ से पैसा आ सकता है। जी जी। तीसरा वो है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में हमारे ज़राअत में हमारे किसान में वो चुप करके अपनी कनक बना रहे थे, अपना दूध पैदा कर रहे थे और अपनी इकोनॉमी मसरूफ थे, हमारे दर्जी से लेके हमारे तरखान से लेके हमारी बेशुमार अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है जो कि हुकूमत के किसी भी मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है और वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हो गई है हुकूमत जो ट्रस्ट का लेवल है, बेसिकली जब आप कारोबार करते हैं ये जो रियासत होती है वो कोई और चीज नहीं देती, अवाम को ट्रस्ट देती है। जब आप सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो इस वक्त सऊदी अरेबिया दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स में तीसरे नंबर पे है कि अवाम खुश है वहां पे, जो हुकूमत जो वादा करती है वो डिलीवर करेगी, इसमें सऊदी अरेबिया पहले नंबर पे है। ये वो वजह है कि हमारे 2000 लोग डेली सऊदी अरब जाके काम करने को तैयार हैं। आज आप रोड पे निकल के पूछें कि आप किसी भी महकमे से ले लें कि क्या वो महकमा अवाम उस पर ट्रस्ट करती है कि डिलीवर कर देगा,
चाहे वो हमारे सिक्योरिटी हो, चाहे फूड हो, चाहे वो हमारा तालीम हो, सेहत हो, आपको जवाब मिल जाएगा। सही, जब तक ट्रस्ट का क्वाइन वापस नहीं आएगा, हम ये सारी बातें करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, मसला हल नहीं होगा। सही जी आसिफ साहब, सुन लिया जी। दो चीज़ें मैं तालिब इल्म के तौर पे ऐड करना चाहूँगा। एक तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जो महमूद साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हाँ सर ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आसिफ साहब का पॉइंट ऐड करेंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जो आज बजट पेश किया गया उसके हवाले से, उसके क्या कॉन्स एंड प्रोज हैं और कितना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल बजट पेश किया गया है और कितना सस्टेनेबल है। आसिफ साहब को पॉइंट। जी आसिफ साहब जी, बहुत शुक्रिया। मेरे जहन में खास अब तक तालिब इल्म के तौर पे दो चीज़ें, मईशत मेरा मौजू तो नहीं है लेकिन दो चीज़ें, एक ये है कि ये जो पाकिस्तान में ये तमाशा है कि रकम आएगी तो आप बताएंगे कहाँ से आएगी, इतना टाइट कर दिएगा। ये जो स्विस बैंक्स में हमारे ये किसी के पैसे जाते हैं तो स्विट्ज़रलैंड वाले भी पूछते हैं कि कहाँ से लाए हो, या हम देखते हैं कि दुबई में जी बड़े पैसे चले गए, ये बड़ी प्रॉपर्टीज़ देते, क्या दुबई गवर्नमेंट भी पूछती है कि पैसे कहाँ से लाए हो, ये कहाँ से आ रहे हैं का सवाल सिर्फ हमारे यहाँ क्यों है। एक तो हमें आउट ऑफ बॉक्स इसके ऊपर गौर करना होगा। दूसरी खास साहब, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में मुआशी मसाइल उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। मेरा जैसा गरीब आदमी जिसके पास कोई दो चार पैसे आ जाए तो हम भी सोचते हैं कि यार ये पता नहीं कल को क्या हो जाए। इंडस्ट्रियलिस्ट का सरमायादार का दिमाग ख़राब है कि जिस मुल्क में रोज़ टीवी पे एंकर्स कह रहे हों कि मार्च में मार्च होगा, सितंबर सितंबर होगा, एक पेज पे हैं एक पेज पे नहीं हैं, भाईजान जेल से आएंगे तो कमाल कर देंगे, भाईजान जा रहे हैं तो कमाल हो जाएगा, सड़कें बंद हो रही, एजिटेशन हो रहा है, कुछ पता नहीं आज पॉलिसी क्या है, कुछ पता नहीं साल के बाद। जैसे कहते थे क्रिकेट के मैच होते हैं बाहरले मुल्कों में तो इमरान की तस्वीर दिखा रहे होते हैं हेलीकॉप्टर पर, और यहाँ कभी लाइव ट्रांसमिशनें चलती हैं और कभी तस्वीर आने पे इंक्वायरियाँ होती हैं, खैर वो तो अलग मसला। लेकिन खास साहब, अगर ये गैर यकीनी की कैफियत यही रही जो इस मुल्क में रही, तो मुल्क नहीं चल सकता। दो हल हैं सर, एक तो ये कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाएं, ताकत से लाएं, क्रश कर दें हर चीज़, एक तो हल ये है। अगर ये हल नहीं हो सकता सियासी इस्तेकाम तो कभी तो फिर दूसरा हल ये है कि आप सबको ऑन बोर्ड ले लें, सबके साथ मामला कर लें, अगर मामला कर लें या क्रश कर लें, तीसरी सूरत कोई नहीं है। पाकिस्तान देखें, और एक और मसला भी है सियासी अदम इस्तेकाम के साथ, एक और मसला भी है जिस पर कोई बात नहीं करता, और उस पर बात सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान में सफ़ीर अली आवाज़ अल असीरी साहब ने की थी। अपने कालम में उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान के पास ना मईशत का कोई मसला है ना सरमायाकारी का मसला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। इसकी तरफ अभी एक साहब ने भी बात की, ये ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की मईशत का और तमाम वैल्यूज़ का सत्यानाश तो कर सकती है, आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकती। जितने इदारे, आपने कारोबार तो आप खैर बहुत बड़े कारोबारी आदमी हैं, जितने इदारे हैं ये ख़राब करने के लिए बैठे हैं, फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बैठे। सही सर, हमारे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, हमारे मौशियात वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सामने इख्तियार बेग साहब। वालेकुम सलाम जी खान साहब। इख्तियार बेग साहब आप ठीक हैं, खैरियत है? अल्लाह का बहुत करम है। वो हम मेरे दोस्त हैं आसिफ साहब, एंकर भी हैं रोज़ टीवी के, तो वो कह रहे थे कि पार्टियों में इनको इकोनॉमिस्ट एमएनए बनाने चाहिए और सेनेटर, ताकि वो पार्ट अपना अदा कर सकें, क्योंकि जितने लोगों को अभी हमने गुफ्तगू की है जितने लोगों से, उन्होंने सब ने इस बजट के अगेंस्ट बात की है, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, इस बार का बजट बिल्कुल ही कंफ्यूज, डायरेक्शनलेस और अनरियलिस्टिक टारगेट्स जो है वो हदायत जिसे कहते हैं ये एमएनए हैं, पीपल पार्टी में एमएनए भी है, हमारे दोस्त भी है एमएनए भी है और नंबर वन इकोनॉमिस्ट है। जी देखिए, हमारा तो आपको पता होगा कि हमने एब्सटेन किया, आज बजट में हिस्सा नहीं लिया, और उसकी वजह यही थी कि जो एग्रीमेंट किया था, ये भी ज्यादती है कि आपने क्यों हिस्सा नहीं लिया जी। हमने यही बात तो आसिफ साहब और हम कर रहे हैं कि इत्तफाक नहीं है, तो इस ज्यादती का आगाज तो नवाज शरीफ साहब ने किया, हुकूमत नहीं ली। हाँ, हमारी पूरी पार्टी ने एब्सटेंड किया है, दो वजूहत है। हमारे दो दिन से पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चल रही थी तमाम एमएनए और तमाम सेनेटर्स के साथ, ईच वन वाज डिससैटिस्फाई के हमें मुस्लिम लीग नून ने ना वो हमारे लोगों को उनके इलाकों में लुकाफर किया है, ना वो एग्रीमेंट जो हुकूमत साजी के लिए बना था उस पर 50% भी काम
नहीं हुआ अमल दरामद 50% की। PSDP यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ये तय था कि मशावरत से रखे जाएंगे सूबों के फंड और उस पर सर्टेन परसेंटेज PPP की होगी, इतने परसेंटेज नून की होगी, वो कोई मशावरत नहीं की गई। कल हमने अपनी एक टीम भेजी थी, एक कमेटी, नवीद कंबर साहब, खुर्शीद शाह साहब वगैरह उसमें थे, और उसके बावजूद हम वो मसाइल एड्रेस नहीं हुए। लिहाजा आज तमाम हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने मुतफक्का और चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने फैसला ये किया कि हम एब्सटेन करेंगे और हमने एब्सटेन किया। लेकिन जो टीवी से देखा और जो सुना है उसमें टैक्सों की भरमार की गई है, ज़रात के शोबे को जिसने 6% की ग्रोथ दिखाई थी उसकी टांगे काट दी गई हैं, उसके इंडस्ट्रियल इनपुट्स के ऊपर सेल टैक्स 18% लग गया है, जिसमें बीज भी हैं, जिसमें इख्तियार बेग साहब, इख्तियार बेग साहब, सर सर दो चीज़ों पर रहनुमाई फरमा दीजिए। एक तो ये कि अगर ये हुकूमत इतनी डायरेक्शनलेस बजट दे रही है तो फिर आप कोई नए हलीफ ढूंढें और अपनी हुकूमत बना के इसकी इसलाह फरमा दें। और दूसरा सवाल यह है कि ये खबरें भी सीना गजट में आ रही हैं कि ये तयशुदा था कि बजट ऐसा ही होगा, आपको कोई इख्तलाफ नहीं था, पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए आप अलग हो गए और बजट के बाद आप काबीना में भी आ सकती है आपकी पार्टी, सर इन दोनों चीज़ों पर जरा रहनुमाई कर दीजिए। पहली बात यह है कि बजट के बारे में हमारा स्टैंड एब्सेंट होने का नहीं हुआ है बजट की वजह से। हमारा मेन जो एब्सेंट होने की वजह है वो यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ना तो उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया टू स्प्रिट में जो हुकूमत साजी के लिए साइन किया, इट इज अ क्लियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे PSDP वगैरह में जो एलोकेशन हुई है वो बगैर मशावरत से बिल्कुल रखी है। हमने भी लोगों के पास जाना है, अपने हल्के के लोगों को फेस करना है, उन्हें हमने मुतमईन करना है। तो इस तरह की पंचायती बातें वन शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जी वो जिस तरह से कहेंगे हमें ट्रीट कर सकते हैं। हमारे यहाँ बड़ा रिएक्शन इसमें दो दिन में देखने में आया और नतीजतन आज फाइनल मीटिंग जब हुई थी तो उसमें लोगों ने कहा कि जी हमें एब्सटेंट करना चाहिए। और काबीना में वापसी, अगर शमूलियत, बल्कि वापसी नहीं शमूलियत बजट के बाद ये खबरें भी आ रही। देखिए अभी काबीना तो बहुत आगे की चीज है, अभी तो बजट में हमें, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज हो जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आए। IMF का प्रोग्राम जा रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जरूरी है बजट का मंजूर होना है, अप्रूव होना। तो लेकिन अब ये देखना है कि वो किस हद तक हमारे ग्रेवेंसेस जो है वो एड्रेस करते हैं, लेकिन हमारा बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आए, IMF का प्रोग्राम डिस्टर्ब हो और मुल्की माशत जो है उस पर इसके असरात पड़े। इख्तियार बेग साहब, ये जो सऊदी सफीर की हमने अभी, साबिक सफीर मोहतरम की हमने राय एक कालम में से कोट की कि पाकिस्तान का असल मसला पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं मईशत में, ये इससे इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए यस, ब्यूरोक्रेसी एक हर्डल जरूर है हमारे, और अब से नहीं है, बहुत अरसे से है और वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसी को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन वो बड़े स्केल की मैटर्स को हैंडल करने के लिए है। मिसाल के तौर पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC जो बनाई है, ये ब्यूरोक्रेसी को ही हैंडल करने के लिए है। आपको याद होगा FATF में ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जब निकला था तो ये सिविल मिलिट्री क़यादत के जॉइंट ऑपरेशन थे जिससे ये हम कामयाबी से निकले थे, और अब भी जो वन विंडो ऑपरेशन और नए इन्वेस्टमेंट लाने की बातें और दूसरे बड़े एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट, फूड सिक्योरिटी की बातें जो हम कर रहे हैं अंडर वन विंडो, वो SIFC ही के जरिए है, क्योंकि एक ताकतवर बॉडी है और इस सिविल मिलिट्री की एक कामयाब ऑपरेशन की स्टोरी है जो हमने FATF में ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए देख चुके हैं। नहीं, लेकिन ये जो जिस तरह का बजट आया है
उसमें हर उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया जिसको ज़रूरत थी एड्रेस करने की। जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बाहर का सरमायाकार कैसे आएगा जब अपना सरमायाकार काम नहीं करेगा, वो बाहर पैसे भेज देगा, और हम कहते हैं कि जितने तक को आम आदमी को रिलीफ नहीं होगा काम कैसे चलेगा, और वो चीज़ तो वो तो कोई चीज़ एड्रेस ही नहीं हुई ना। देखिए इस बजट में मेरा जैसा आदमी जो पूरी ज़िंदगी बजट सुनते आए हैं उसके ऊपर तजिया देते आए हैं, कॉलम लिखते आए हैं, टीवी में आप लोगों के साथ बैठ के बात करते आए हूँ, मेरा जैसा आदमी कंफ्यूज है, क्योंकि जिस तरह से बजट ऐलान किया गया, मिसाल तौर पे फाटा को और पाटा को वो कह रहे हैं जी ख़त्म कर रहे हैं लेकिन टैक्स बदतजरीज कम होगा। अब ये समझ में नहीं आया कि वो जो इंसेंटिव थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं या मजीद एक्सटेंशन दे दी गई। ऐसे गाड़ियों की ड्यूटी, इलेक्ट्रिक कार की ड्यूटी में एम्बिग्यूटी है, पेंशन में एम्बिग्यूटी है, तो बहुत सारी। अब ये जो रियल इस्टेट के जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स के ऊपर सेल टैक्स लगाया गया है वो ज़राई पैदावार को महंगा कर देगा, किसान फिर उससे बुरी तरह मुतासर होगा, पिटेगा। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो क्लैरिटी मांगती हैं, जो मुझे अभी तक डिटेल जब तक नहीं आएंगी मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर सकूंगा। नहीं, वो जो आसिफ साहब का मकसद ये है कि आप अगर हो बजट के बाद हो, मिनी बजट भी आ सकता है ना, अगर पीपल पार्टी मिनिस्ट्रियों में आ जाती है तो फिर मिनी बजट में इसकी गलतियों की अकासी करना। नहीं हो सकता, मिनी बजट के बाद वो वापस आए ताकि बजट का वो शेयर ना। अभी तो बजट में 28 तारीख तक सेशन है, बजट की बहस है, अगर ये गलतियां सही कर लेते हैं तब डील करने के लिए तैयार हैं फाइनेंस बिल के अप्रूवल से पहले। तो नॉर्मल यही होता है कि जो बजट ऐलान होता है और जो बजट अप्रूव होता है उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन की हुई होती है नियाज़ी साहब। अच्छा, खान साहब, मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ हैं। बोस्तान साहब आप क्या कहते हैं? यार बेग साहब ने कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं है, बेग साहब बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दे रहे थे, और ये बजट मैं समझता हूँ इन महदूद वसाइल में, शदीद माशी दबाव में, इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने जो है, जो उम्मीद थी कि तनख्वाहें 15% बढ़ेंगी, इन्होंने 25% बढ़ा दी, तो ये एक खिलाफ तवक्को बात थी। इसी तरह जो किस चीज़ों में जो बजट था पिछले साल जो छूट दी हुई थी वो वापस ले ली, इस तरह जो गरीब आदमी तनख्वाहें थी कम से कम 37,000 कर दी, उससे ज़ाहिर है तनख्वाहें और कोई बढ़ाएगा इनकी आम आदमी की, ये गलत बात हुई है। जो कि आप बेग साहब भी फरमा रहे थे कोई ज़रात पे जो है अगर टैक्स लगाते हैं तो वो बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन ये साथ साथ ये भी समझा रहे थे अगर अपनी गलतियाँ दुरुस्त कर लेते हैं तो वो भी ठीक बात है, लेकिन पाकिस्तान को मैं समझता हूँ पिछले साल इन्हीं दिनों में IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि पाकिस्तान का जो GDP है वो 1.8 से 2% होगा, लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र 2.40 अचीव किया है। इसी तरह हमारी जो रेमिटेंस बढ़ी है, पिछले महीने आपको मैं बताता था कि उन्होंने $3.2 बिलियन एक रिकॉर्ड कायम किया है। इस तरह हुकूमत ने जो है अपना GDP जो है वो 2.4 पे किया है, और इसके बाद ये भी आपको प्रिडक्शन दी जा रही थी कि हुकूमत ने अपना जो बजट था वो 209 पे सेट किया था, और आज डॉलर का रेट 278 के करीब है, और IMF में कहा कि पाकिस्तानी डॉलर जो अगले साल जो है 305 से 310 तक हो सकता है, लेकिन उनकी पेशन कोई गलत साबित हुई, डॉलर आपके सामने है। अभी भी हुकूमत कह रही है हम 295 पर डॉलर रखेंगे अपना बजट, IMF कह रहा है कि 325 पे होगा, तो ये भी इनकी पेशन कोई इंशाल्लाह गलत साबित होगी। पाकिस्तान में इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज बड़ी अच्छा फ्लो आ रहा है, और जो आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब को बिल्कुल बाहर से पैसा तो ठीक आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान से जो बाहर पैसा जा रहा है उसकी तादाद ज्यादा है। देखो जी वो हमारी इसमें हुकूमत की मैं समझता हूँ आपकी जान जब तक महफूज नहीं होगी तो कारोबार कैसे महफूज होगा। आपका मोबाइल फोन तक छीन लेते हैं 2000 का, तो आप कैसे बात करते हैं लोग यहाँ सरमायाकारी करेंगे, वो तो भागेंगे। और ये भी बोस्तान भाई, ये भी मुझे डर है कि आपका टेलीफोन ही मेरा ख्याल नहीं है अपने पास, क्योंकि कल ही आपने इस टेलीफोन की बात की है। बहरहाल मैं ये आम बात है, ये मतलब स्ट्रीट क्राइम, ये देख साहब भी कहेंगे आप भी कहेंगे कुछ तो साफ ही हमें बताते हैं, हमारा भी छीन लिया गया है, बल्कि हमने दो दो फोन भी रखे हुए होते हैं फिर भी एक दिखाने का और एक इस्तेमाल करने का,
तो ये तो है, ये तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर जब सक्सेस ही नहीं होगा तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है आपका, आप कहेंगे बिजनेस आपका बढ़ जाएगा तो दीवाने का ख्वाब भी हो सकता है। नौजवान बेरोजगारी से तंग आके समुद्रों में डूब रहे हैं। सी पैक में हमने वादा किया था कि 2022 में हम अपना जो है नॉन नाइन इकोनॉमिक जोन में से कोई इकोनॉमिक जोन आपने नहीं बनाया, वो इंडिया अलग है, चाइना ने वादा किया था जिस दिन आप इकोनॉमिक जोन बनाएंगे मैं अपनी इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट करूंगा, एक्सपोर्ट यहाँ से करूंगा और मैं यहाँ लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। हमें हमारी ज़राअत में देखो ना, 19 साल में पहली दफ़ा 6% आपका ग्रोथ हुआ है और चावल की पैदावार 9 लाख टन हुई है। इसी तरह आपने $3 अरब जो आपने उसको एक्सपोर्ट भी कर दिया है, 40 लाख टन आपकी गंदम हुई है, मकई आपकी सरप्लस है, शुगर सरप्लस है, तो ये अल्लाह का करम है। पाकिस्तान में जो ज़राअत ऐसा जरिया है, 45% हमारी आबादी इससे मुंसलिक है, 25% आपका GDP है, इसको 6 महीने में आपकी फसल वापस आती है, आपको ग्रोथ मिलती है, आपका GDP बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है। इस तरह हम वैल्यू एडेड में आ जाते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हुकूमत करके अपने आप को निकाल सके। इस तरह जो पिछले साल आपको याद है हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था वो 38% था, आज 12% है। तो हुकूमत को पूरी आवाम की उम्मीदें थी कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कम अज़ कम 5% कम होगा, लेकिन हुकूमत ने ये वादा किया कि हम आगे चले इसको 12% पे ले जा सकते हैं। 12% पे जाने का मतलब है 4,000 अरब तो आपको सूद की बचत हो जाएगी, जो इस वक्त आप 9,500 दे रहे हैं वो 4,000 अरब हेल्थ पे एजुकेशन में लगा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करके अपने आप को संभाल सकते हैं। इस तरह जो पेट्रोलियम मुसनवाद पे IMF ने कहा था कि आप 18% पे ड्यूटी लगाए, आपने लीवी लगा के वो तो बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ जाता अगर 18% लगाते, तो उससे भी जो है जो मतबादल से जब वीज हुकूमत ने दी है उसमें जो है तकरीबन 80 महकमे ऐसे हैं जो अगर मर्ज हो जाते हैं तो उसमें से 1,000 अरब बच सकता है। इसी तरह IPP है, उनके जो 2300 अरब रुपये आपको हर महीने दें उसको रोक के भी अपने आप को बचाया जा सकता है। इस तरह 2500 अरब आपके कोर्टों में केस पड़े हैं उनको सेटल करके कमाई की जा सकती है। तो बहुत सी चीज़ें करने की हमारी अशरफिया की जो एलीट क्लास है उसका $17 अरब का आपका बजट हर साल पेश होता है, उसे कम करके की जा सकता है। तो हमें इस तरह सियासी इस्तेकाम की भी ज़रूरत है। बाहर हमारे जब लोग जाते हैं या हमारे वफ़द जाते हैं तो वो पहले कहते हैं अपने घर को सही करें, भाई हमारे जो नुमाया मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ आवाम की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ। पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आवाम को उकसाया जाए और ये मजबूत जो चट्टान है इसको तोड़ा जाए और जहाँ सिविल वार हो, तो हमें इस चीज़ को भी देखने हमारे आपस में बैठे मसले हल करें, चार्टर ऑफ इकानमी करें, पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लेकिन बोस्तान साहब बात यह है कि वो कुछ तो अच्छी बातें आपने की, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है इस बजट का गिला सुनते हुए, लेकिन ये है कि जो आप कहते हैं ना कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, वो तो आनी नहीं है, उसको तो भूल जाए। नहीं नहीं आएगी इंशाल्लाह, भी जो है PTI की तरफ से भी अच्छा हुआ है, कुछ सोचने पे भी उन्हें मजबूर किया है उन्होंने जो है। देखो PTI इसमें कोई शक नहीं बड़ी जमात है, लेकिन सियासत यही कहती है कि आप कंप्रोमाइज करें, अपने जितने भी लोगों के साथ बैठ के अपने मसले पार्लियामेंट में हल करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा है ना कि आप अपने मसले जब जाके पार्लियामेंट में हल करें, आप उसमें बैठें। फौज भी यही कह रही है, आवाम भी यही कह रही है, ये अब मिल बैठेंगे तो मसले का जो। लेकिन करने को तो ये बातें बहुत मिलती हैं, जुडिशली में भी मिलती हैं, जुडिशली का अपना रास्ता है, पॉलिटिकल लोगों में ये बातें करने को तो मिलती हैं और एस्टेब्लिशमेंट में मिलती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। देखो मैं समझता हूँ ये कुर्बानी का महीना है और अन्ना को आप कुर्बान कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इस महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स किया पेश किया था उसमें यही था कि उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ़ किया, इवन जो उनके चाचा का कलेजा दबाया था हमजा उसको भी उन्होंने माफ़ किया। तो कितना बड़ा मैसेज दिया है दुनिया को, जो लोग माफ़ करने वाले होते हैं वो बड़े अजीम लोग होते हैं और एक दूसरे का सलाह बुलाएं, सुलह कराएं। तो मैं समझता हूँ नेल्सन मंडेला की मिसाल सामने है, इस तरह अब्राहम लिंकन की अमेरिका की मिसाल आपके सामने, इन लोगों ने सुलह की और उनके मुल्क अमेरिका आज कहाँ पहुँच गया, वरना हमसे ज्यादा लड़ते थे। ये बहुत बड़ी बात आपने की है कि ये कुर्बानी का महीना है, माफ़ी का महीना है और इमरान खान की माफ़ी की उम्मीद भी की जा सकती है।
बिल्कुल ठीक जा सकती है, बैठेंगे तो आपस में दिल जो बैठे, जब बैठ जाते हैं जब जबान होती है तो सारी चीजें हो सकती है। अच्छा, बोस्तान साहब ने, एक और बड़ी अहम बात की थी, जब आपने पूछा था कि पाकिस्तान से पैसा बाहर क्यों जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि जान की सलामती होगी तो कोई यहाँ पे पैसा लगाएगा ना। तो मुझे ये पूछना है बोस्तान साहब से भी, आपकी खिदमत में भी मुझे ये सवाल रखना है कि अगर हमने आमा के हालात इतने पेचीदा हैं कि अभी आपने मोबाइल का भी कोई इशारा किया, मुझे लगा कि बोस्तान साहब का मोबाइल को उनका दोस्त ले उड़ा, तो जो आपका वजीर दाखिला है उसको आपने क्रिकेटें खिलवाने पर लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके वजीर दाखिला या तो बहुत वेला है, या उसकी सिफारिश बहुत तगड़ी है, या उसने वजारत दाखला को इतना शानदार बना दिया है कि आप सिफारिश वाले पता होने के बावजूद आप क्यों करते हैं, या तो है, मुझे तो नहीं पता कि सिफारशी, इस हुकूमत में भी सिफारशी लोग हैं, मैं तो मेरिट वाली हुकूमत है, बोस्तान साहब तो यही कह रहे थे अभी। देखो देखो, या तो भाई तुमने वजारत दाखला इतनी अच्छी चला ली हो कि अब तुम क्रिकेटर चलाओ ना, क्रिकेट का भी जो हाल कर दिया वो भी हमारे सामने है, वजारत दाखला वजीर दाखला इतना फारिग होता है ना ये सब कि वो क्रिकेट शायद अमरीका जाके मैच देखता, फिर उसको तो होश नहीं होना चाहिए, इतना मसरूफ होना चाहिए, उसके पास सर घूमो, उसके पास मैच देखने का वक्त नहीं होना चाहिए बजाय इसके कि वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन के बैठा। जी वो सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल अगर वो इंटीरियर मिनिस्टर ना होते तो बिल्कुल चेयरमैन होते, पूरा अपने ध्यान भी देते, अब उनको पूरा मुल्क भी संभाल रहे हैं, इंटरनेशनल सतह भी संभाले हैं, टेररिस्ट अटैक पाकिस्तानी फौज पे हो रही है, हमारे फौज डेली जो है जवान हमारे अफसर कुर्बान हो रहे हैं मुल्क पे, तो उसको हमने संभालना है, दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है, तो मैं समझता हूँ मैं शहबाज शरीफ साहब से यही करूँगा कि इससे बेहतर है कि उनको ये जिम्मेदारी दें, अपने अंदरूनी मामला सीधे करें, क्रिकेट के चेयरमैन किसी और को बना दें, वो भी सही है, क्योंकि इतनी दो जिम्मेदारियाँ एक साथ, ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि उन्हें क्रिकेट की जिम्मेदारी दे दें और यहाँ कोई और बंदा लें, मुमकिन नहीं। नहीं, उन्होंने देखो बतौर चीफ मिनिस्टर से उन्होंने बड़ा अच्छी डिलीवर किया है, तो उसी चीज को देखते हुए उन्हें इनाम के तौर पे ये वजारत दी गई है, अल्लाह करे ये उस पर पूरा उतरे और पाकिस्तान को महफूज बनाए, खासतौर पर हमारी फौज जो है इस वक्त टेररिस्ट दहशतगर्दों के निशाने पे है, इनाम और हमें इनाम के तौर पर वजारत दी गई है, इनाम के तौर पर ये वजारत दी गई है, बहुत अच्छा किया, इनाम के तौर पर दी गई है, तो सिर्फ एक वजीर ने अच्छा काम किया, बाकी तीनों ने नहीं अच्छा किया, जब उसको आप दो कश्तियों में सवार कर देंगे तो फिर कश्ती पार तो नहीं लगती ना, खराब ही हो जाती है, दो कश्तियों में सवार हमेशा कहते हैं डूबते हैं, तो उनको एक ही कश्ती में रहने दें और जब इंशाल्लाह उस कश्ती को पार, वैसे सियासी तौर पर किस कश्ती में है खान साहब, ये आप देखो सियासी तौर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, वो सेनेटर भी बन जाते हैं, वो चेयरमैन पीसीबी भी बन जाते हैं, मेरी तो समझ से बाहर, तो आपको सारी समझ है और समझाना समझना चाहते हैं आप, देखो ये बात क्लियर मैं करते, सोशल मीडिया पे जो बात आती है, जो बात की जाती है, आर्मी चीज आपको उनका सर शफकत है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, से क्या लेना उनका है? उनका दर्द शफकत क्यों है, ये तो देखते हुए ऐसी गुफ्तगू की जाती है लोगों को, शहबाज शरीफ को तो उन्हें अपने तौर पे लाए हैं और उनको जो है किया बड़ा ना करे, पंजाब में बड़ा अच्छा काम किया है इस मिनिस्टर ने, मोहसिन नकवी ने पंजाब में तो बहुत अच्छा काम किया अनडाउटेडली, वो यही समझ रहे थे चलो यहाँ आएंगे तो बहरहाल आना चाहिए, उनको एक दफे पे करेंगे तो कोई डिलीवर कर भी सकेंगे, सही कह रहे हैं वो पाकिस्तान बैठे हैं या अमेरिका बैठे हैं या क्रिकेट टीम को समझाएं या अपने दिफा को देखें अपने इंटीरियर दाखला को देखें तो एक ही चीज ज्यादा बेहतर होती है। सही वली गोस्तान साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। बहरहाल आसिफ महमूद साहब ने थोड़ा सा सार्केस्टिकली इसको टैकल किया है, लेकिन खान साहब एक आखिरी मैं बात ये पूछूंगा कि जो स्टैट्स हैं और फिगर्स हैं आसिफ महमूद साहब से भी, कि ये तो कुछ और बताते हैं, ज़मीनी हकायक इनके बिल्कुल बरक्स हैं, जैसे महंगाई की बात है कि 38 से 12%, जैसे गंदम को कोट किया, उसके अलावा चावल की प्रोडक्शन को कोट किया, आम आवाम से पूछा जाए ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, मार्केट में तो ये रेट नहीं है 12% की महंगाई, तो ये जो स्टैट्स आज बजट में पेश किए गए हैं ये प्रैक्टिकली सॉलिड हैं या फिर सिर्फ ये स्टैट्स की हद तक ही हैं आसिफ महमूद साहब? मेरा ख्याल है कि कुछ इसमें मिसाला भी होता है सियासी कंजम्पशन के लिए, लेकिन मईशत को अगर पाकिस्तान की सियासी कुवतों में से कोई समझता है और बेहतर कर सकता है तो सारे इख्तलाफात के बावजूद मुस्लिम लीग नून ही है। सही, अगर इससे नहीं समझती तो फिर आपके पास और तो कोई नहीं है। सही, और खान साहब आप क्या कहेंगे बजट अल्टीमेटली इवेंचुअली? नहीं, वो आसिफ साहब की बात को मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, उन्होंने ठीक बात की है, लेकिन मसला ये है ना कि आपको ये भी देखना होगा ना कि पब्लिक किसके साथ है।
गलत है या ठीक है। अगर जमहूरियत का नाम लेते हैं तो जमहूरियत तो पब्लिक के नाम से जमहूरियत है ना, वो तो जमहूरियत अगर आज वोट करा लें या पिछले वोट करा लें तो वो इमरान खान के साथ है। फिर खान साहब पब्लिक से ये भी पूछ लेना चाहिए कि आपको जमहूरियत चाहिए या आपको मईशत और रोटी चाहिए। वो तो फिर पूछते हैं एक मसला हल होगा, एक मसला हल होगा तो मामला शायद प्रोसेसुअली और ग्रेजुअली सारे बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन आप भी जानी बढ़ेंगे, प्रोग्राम का वक्त मुआसिम मूसा साहब का, खान साहब का बहुत शुक्रिया। जो बजट आया हम उम्मीद करते हैं कि आवाम के लिए फ़ायदा मंद हो, जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनके अंदर जो भी खामियां रह गई जिसको पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कोट किया वो भी उनके अंदर भी इस्लाहात होनी चाहिए और एक टोटल जो सम हो वो पाकिस्तान के मुफाद में हो, आम आदमी के मुफाद में हो, दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम का वक्त में अगले प्रोग्राम में खान साहब से फिर से हाजिर होंगे, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।